विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय मानक ब्यूरो की हिमाचल शाखा द्वारा बद्दी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बीबीएन विकास प्राधिकरण के सीईओ केसी चमन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल शाखा के प्रमुख डी चक्रवर्ती, उप महानिदेशक उत्तरी क्षेत्र एनके कंसारा ने विशेष अतिथि के तौर पर भाग लिया। मुख्य अतिथि केसी चमन ने कहा कि विश्व मानक दिवस मनाने का उद्देश्य नियामकों, उद्योगों, उपभोक्ताओं व समाज के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकों की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। एनके कंसारा ने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वे हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें, और डी चक्रवर्ती ने कहा कि मानक उत्पाद की गुणवत्ता का आधार है, जो उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाता है कि हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पाद व सेवाएं उपयुक्त गुणवत्ता की हैं। उन्होंने विश्व मानक दिवस पर ISO, IEC व ITU द्वारा भेजे गए संदेश भी पढ़े। इस दौरान अंबुजा सीमेंट से नावेंद्र तोमर सहित एलिन ग्रुप के GM JS कंग सहित BBN के 100 से ज्यादा उद्यमी व कारोबारी मौजूद रहे। वो विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक तरह से ये हम उन सभी को याद करते हैं, एक्सपर्ट्स, स्टैंडर्ड्स बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और दूसरे लोग जो रेगुलेटर्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो उन लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ISO, IEC और ITU, ये सभी संस्थाएँ जिन 14 अक्टूबर को, जिस दिन इस ISO का स्थापना दिवस है, उसको इन स्टैंडर्ड्स बनाने वालों के इसको यादगार तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके काम को मानते हुए और उनको हमें धन्यवाद करते हुए हम ये सभी हर साल मनाते हैं। ये काफ़ी शॉर्ट लिफ्ट था, क्योंकि चौथे रेवोल्यूशन के लिए अब एक ट्रांजिशन एरा है, जब हम तीसरे से चौथे में आ रहे हैं, और चौथा रेवोल्यूशन है ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन, और इसमें हम कहेंगे कि हमारे देश में इसकी पहल ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बहुत जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर के, इसीलिए सबसे पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी है उन्होंने, चाहे वो आधार को लिंक करने की बात हो या उसके अलावा भूमि जो रजिस्ट्रेशन लैंड रिकॉर्ड्स की बात करें, हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें, टेक्निक्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अलावा रोबोटिक्स का इस्तेमाल है, रोबोटिक्स के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के अलावा हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हर कुछ कनेक्टेड होगा आपस में और वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होगा, जिसमें हम सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर्स। इनफैक्ट आज अगर हम देखें तो जितनी भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, ई वे बिल जिसको कहते हैं, ये जनरेशन बहुत ज़रूरी कंपलसरी कर दिया गया है जुलाई से। इसके तहत क्या होता है कि सारी जितनी भी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो बिल्स करते हैं, वो सब एक सर्वर पे जा करके कनेक्ट हो जाते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर के थ्रू हमें ये पता लगता है कि वो माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ताकि ट्रैकिंग हो सके। इससे क्या है, चोरी रुकती है और देश को काफ़ी मुनाफा होता है, क्योंकि कंप्लीट टैक्स जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है कि कितना हमने प्रोड्यूस किया, कितना जनरेट किया है, और उस पर हम कितना गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होनी चाहिए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए BBN से ब्यूरो प्रभारी विपिन शर्मा के साथ आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।